हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में बीपीएन सेटिंग्स है तो बीपीएन सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना होगा और क्लिक करते ही जो आपके फ़ोन की सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में बीपीएन सेटिंग्स हैं तो बीपीएन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपकी फ़ोन सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है बीपीएन। जब आप बीपीएन सर्च करते हैं तो यहाँ से बीपीएन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो बीपीएन्स को आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। किसी भी बीपीएन्स को आप यहाँ से फॉरगेट करना चाहें तो हटा सकते हैं, या बीपीएन्स को आप बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। इसे आपको नेम लिखना होगा जो भी बीपीएन का नेम है, सर्वर एड्रेस डालना हो जो भी आपका सर्वर एड्रेस है। इस तरीके से आईपीएस इन फाइंडर भी आप डाल सकते हैं, और भी डिटेल्स है जिसको आप पासवर्ड या यूजर नेम आईडी वगैरह डाल सकते हैं। और जब आप सेव करते हैं तो आपका सेव होते यहाँ पर शो हो जाता है। तो बीपीएन्स के जरिए आप किसी भी बाहर कंट्री ऐप्स को चला सकते हैं। जैसे जो ऐप्स हैं आपके या कंट्री में नहीं चल रहे हैं तो आप बीपीएन के जरिए आप बाहर कंट्री ऐप्स को चला पाएंगे, और इससे आप गेम्स वगैरह भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से बीपीएन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। और आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन सेटिंग्स पे जाकर भी बीपीएन सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे। जैसे आपकी फ़ोन सेटिंग्स है इस तरीके से शो हो रही है, फिर आपको नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे जाना है तो नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आप बीपीएन पे जाते हैं तो यहाँ से बीपीएन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीपीएन सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।